हेलो एवरीवन, मेरा नाम अदीबा है और आज हम लोग बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस के एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे और थोड़ा सा जो हम लोग ने अभी तक पढ़ा होगा, जो हमारी नॉलेज है, वील अप्लाई दैट एंड ट्राई टू सॉल्व वट एवर क्वेश्चन वी आर पुट फॉरवर्ड टू. तो टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी. बायोटेक्नोलॉजी एक बहुत ही इजी टॉपिक है. अगर इसका बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर हो हमारे पास तो इससे इजी टॉपिक कुछ होगा नहीं. और नीट में इसका जो क्वेश्चन आते हैं वो 4 से 5 क्वेश्चन तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्डली पूछे जाते हैं, क्योंकि 2 चैप्टर्स हैं जिसमें से एक प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस और एक इसका एप्लीकेशन. और एप्लीकेशन में बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जो केवल अभी के लिए ही नहीं, आगे के लिए भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है. तो क्वेश्चन 1, राइजिंग ऑफ डो इज ड्यू टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ ईस्ट, प्रोडक्शन ऑफ CO2 और इमल्सिफिकेशन और हाइड्रोलिसिस ऑफ फीट लार्ज स्टार्च इनटू शुगर. ओके, तो राइजिंग ऑफ डो क्या होता है? जैसे हमारे घर में कभी कभी केक्स या कि कुछ चीज बनाने के लिए जब डो को फर्मेंट करा जाता है, ब्रेड बनाने के लिए जब आटे को फर्मेंट करते हैं तो उसमें हम लोग ईस्ट के ग्रैन्यूल्स मिलाते हैं. ईस्ट ग्रैन्यूल्स उस आटे में थोड़ा सा गर्म पानी करके ईस्ट ग्रैन्यूल्स को मिलाते हैं और वार्म वाटर इसलिए यूज करते हैं ताकि वो वार्म वाटर ईस्ट को एक्टिवेट कर दे. ईस्ट इज ओनली एक्टिवेटेड व्हेन प्रॉपर ऑप्टिमम टेम्परेचर इज गिवन टू इट, सो दैट इज वार्म वाटर. सो व्हेनेवर वी एड ईस्ट विद वार्म वाटर टू अ डो, ईस्ट मल्टीप्लाइज. ईस्ट धीरे धीरे मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देती है. As per the question, rising of dough is due to multiplication of yeast. नहीं, multiply करती है, but yeast इतना volume नहीं ले लेगी कि ये जो dough है वो rise कर जाए. Yeast का जो main काम होता है, that is production of CO2. और वो CO2 कैसे produce करती है? जो भी sugars present होती हैं हमारे starch में या वीट में, उन शुगर्स को ईस्ट फर्मेंट करती है और इथेनॉल प्लस CO2 का फॉर्मेशन करती है. और जो ये CO2 निकलती है वो जो डो हमारा पहले लिड के साथ लगा हुआ होता है वो डो राइज कर जाता है बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ CO2. तो राइजिंग ऑफ डो इज ड्यू टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ ईस्ट, ईस्ट मल्टीप्लाइज, बट राइजिंग ऑफ डो इज नॉट ड्यू टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ ईस्ट. प्रोडक्शन ऑफ CO2, यस. इमल्सिफिकेशन टर्म इज यूज फॉर फैट. एंड व्हाट अबाउट फैट? तो फैट के जो ग्लोब्यूल्स होते हैं दे आर इमल्सिफाइड, मतलब उनको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दिया जाता है. एंड फॉर वॉट पर्पज? ताकि वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए. फैट ग्लोब्यूल्स आर फर्स्ट इमल्सिफाइड, फिर उसके बाद वो इंटेस्टाइन से इजिली डाइजेस्ट हो जाते हैं. हाइड्रोलिसिस ऑफ वीट प्लस स्टार्च इनटू शुगर. हाइड्रोलिसिस ऑफ वीट का मतलब है कि स्टार्च और शुगर में कन्वर्ट हो जाना. बट जब हमको पता है कि डो में ईस्ट है और ईस्ट स्टार्च और शुगर को कन्वर्ट करेगा इथेनॉल और CO2 में, तो इसका मतलब कि ये ऑप्शन भी गलत है. तो एलिमिनेटिंग ऑल ऑफ द ऑप्शंस एंड देन सिलेक्टिंग द वन इज प्रोडक्शन ऑफ CO2. क्वेश्चन 2, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम कैटलाइज द रिमूवल ऑफ न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड ऑफ द DNA. Reading the question properly, it says end of the DNA. By end, it means
exonucleus, we actually have to remove एक DNA का sequence है. अगर DNA के sequence को हम लोग बीच से ब्रेक करें और अलग कर दें, तो वो काम कौन करता है? एंडोन्यूक्लियस. और कैसे करता है? एंडोन्यूक्लियस एक्ट ऑन स्पेसिफिक साइट्स, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस. पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस पे एक्ट करने के बाद वो बनाता क्या है? स्टिकी एंड्स. बट व्हेन इट कम्स टू एक्सोन्यूक्लियसेस, एक्सोन्यूक्लियसेस आर द वन विच आर रिमूविंग द न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड ऑफ द डीएनए. एक्सो का मतलब होता है एंड, एंडो का मतलब होता है इन द मिडल और इन बिटवीन. तो बाय एक्सो दैट इज एंड, वी हैव एक्सोन्यूक्लियसेस. डीएनए लाइगेज, लाइगेज इज यूज्ड फॉर, लाइगेज का क्या काम होता है? जब दो स्टिकी एंड्स एक साथ आ जाएं, वी से दिस इज वन एंड दिस इज द अदर वन. तो जब दो स्टिकी एंड्स एक साथ आ जाते हैं तो उनके बीच में बॉन्ड बनाना लाइगेज का काम होता है. लाइगेज इज यूज्ड फॉर लाइगेटिंग टू एंड, यूज्ड फॉर लाइगेटिंग. और डीएनए फ्रैगमेंट, थिंक टू सिन टू इज एक्चुअली अ मार्कर विच इज प्रेजेंट, अ मार्कर प्रेजेंट ऑन द प्लाज्मिड, जिससे कि एक प्लाज्मिड को हम लोग उसके ससेप्टेबिलिटी उसका चेक करेंगे कि कहाँ पर है, क्या है. रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यहाँ पर काम करेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3, द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटीरियल फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर थ्रू द मीडिएशन ऑफ अ वायरल वेक्टर इज ट्रांसफर्ड. ओके, क्वेश्चन बोल रहा है जेनेटिक मटीरियल का ट्रांसफर और बाय हूम, वायरल वेक्टर. वायरल वेक्टर इज बैक्टीरियोफेज. तो व्हाट इज द टर्म विच इज गिवन टू जेनेटिक ट्रांसफर ऑफ, ट्रांसफर जेनेटिक मटीरियल ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू द अदर बाय सम वेक्टर दैट इज ड्यू टू बैक्टीरियोफेज. और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को ट्रांसडक्शन बोलते हैं. एंड हाउ ट्रांसडक्शन टेक्स प्लेस? जब एक बैक्टीरिया पर बैक्टीरियोफेज आकर एक्ट करता है, मान लेते हैं ये एक बैक्टीरियोफेज है, ठीक, और ये हमारे पास बैक्टीरिया है. बैक्टीरियोफेज अपना, बैक्टीरियोफेज अपना जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया के अंदर डाल देता है और जो जेनेटिक मटेरियल ऑलरेडी बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट है, जब वो रेप्लिकेट करेगा तो साथ में बैक्टीरियोफेज का भी रेप्लिकेट करेगा और इस प्रोसेस से प्रोटीन्स बनेंगे. वो प्रोटीन्स जो कि यूज होंगे बैक्टीरियोफेज को फिर से बनाने में. लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब ये बैक्टीरियोफेज दोबारा से, जब ये बैक्टीरियोफेज यहां से निकलेगा नए बैक्टीरियोफेज की तरह, तो उसमें जो डीएनए बैक्टीरिया का था वो भी प्रेजेंट होगा. बैक्टीरियोफेज का डीएनए प्रेजेंट रहेगा, साथ में बैक्टीरिया का भी डीएनए प्रेजेंट रहेगा. और जब ये बैक्टीरियोफेज दूसरे बैक्टीरिया को ट्रांसफर, जब दूसरे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा, तो वो पोर्शन डीएनए का दूसरे बैक्टीरिया में भी चला जाएगा. व्हेन दिस बैक्टीरियोफेज इन्फेक्ट्स अनदर सेल, मान लेते किसी और सेल को इन्फेक्ट करा, तो इस बैक्टीरियोफेज की वजह से एक दूसरे बैक्टीरिया का प्लस बैक्टीरियोफेज का दोनों का ही डीएनए ट्रांसफर हो गया. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसडक्शन. एक बार फिर से देख लेते हैं, किसी एक बैक्टीरियोफेज ने एक सेल को इन्फेक्ट करा,
और कैसे करा, अपना जो डीएनए था वो दूसरे सेल में डाल दिया। जब बैक्टीरिया का डीएनए रेप्लिकेट करा तो साथ में बैक्टीरियोफेज का भी डीएनए रेप्लिकेट करा, और जब डीएनए रेप्लिकेट करा तो प्रोटीन्स बने। कैसे बने? रेप्लिकेशन हुआ, ट्रांसक्रिप्शन हुआ, ट्रांसलेशन हुआ, और फिर उसके बाद प्रोटीन्स का फॉर्मेशन हुआ। प्रोटीन्स के फॉर्मेशन से नए बैक्टीरियोफेज बन गए। जब वो नए बैक्टीरियोफेज सेल को तोड़कर सेल का लाइटिक हुआ, सेल लाइसिस हुआ और बाहर निकले, तो उनमें बैक्टीरिया का भी कुछ एक छोटा सा पोर्शन ऑफ डीएनए कुछ बैक्टीरिया का भी था, और कुछ तो उन अपना बैक्टीरियोफेज का था ही। और जब इन बैक्टीरियोफेज ने किसी और बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करा, मान लेते हैं बी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करा, तो उसमें ए बैक्टीरिया का डीएनए चला गया, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन कैन बी स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक, एंड स्पेसिफिक ट्रांसडक्शन इज ट्रांसफर ऑफ जीन मटेरियल ऑफ अ स्पेसिफिक जीन ऑफ अ स्पेसिफिक जीन मटेरियल, और नॉन स्पेसिफिक में एनी पोर्शन ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट कैन बी ट्रांसफर्ड। सेकेंड जो ऑप्शन है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन इज एक्चुअली ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर थ्रू सेक्स पिलर। जब एक तिलिक का फॉर्मेशन होगा और उसके बाद बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर होगा, दैट इज नोन एज कॉन्जुगेशन। और ये कॉन्जुगेशन कैसे होगा, मान लेते हैं एक बैक्टीरिया था, ये एक बैक्टीरिया है और ये बी बैक्टीरिया है। इन बैक्टीरिया के बीच में एक पिले का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो जो डीएनए इस बैक्टीरिया के पास था वो थ्रू दिस पिले इज ट्रांसफर्ड इनटू अनदर बैक्टीरिया, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज कॉन्जुगेशन। द डिफरेंस बिटवीन कॉन्जुगेशन एंड ट्रांसडक्शन वी कैन सी इज कि ट्रांसडक्शन इज द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटीरियल थ्रू सम वेक्टर, किसी और के थ्रू हो रहा है, एंड कॉन्जुगेशन इज ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटीरियल डायरेक्टली फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू द अदर। सो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस वी नीड टू सी। देन ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन हमने ग्रिफिथ का प्रिंसिपल पढ़ा था, और ग्रिफिथ के प्रिंसिपल में ट्रांसफॉर्मेशन ही यूज हुआ था कि जब एक बैक्टीरिया का जीन दूसरे बैक्टीरिया में एंटर करे और उसी की तरीके बिहेव करने लगे। सो इस तरीके से जो ग्रिफिथ के प्रिंसिपल में जो स्ट्रेप्टोकोकस के स्ट्रेन्स थे जो इन्फेक्ट कर रहे थे, जो डेड स्ट्रेन था और जो लाइव स्ट्रेन था, लाइव अनकैप्सुलेटेड स्ट्रेन और डेड कैप्सुलेटेड स्ट्रेन, जब उन दोनों को साथ में दिया गया था तो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था। वो जेनेटिक डीएनए एंटर्स इनटू द डेड स्ट्रेप्टोकोकस स्ट्रेन और वो विरुलेंट हो गया, और जब वो विरुलेंट हो गया तो माइस की डेथ हो गई थी। सो दैट वॉज ट्रांसफॉर्मेशन वॉज फ्रॉम ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। और ट्रांसलेशन, तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोटीन फॉर्मेशन, दैट इज नोन एज ट्रांसलेशन। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटीरियल फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर थ्रू द मीडिएशन ऑफ वायरल वेक्टर इज टर्म्ड एज ट्रांसडक्शन। लोग ने एक फ्लो थ्रू के पढ़ लिया है। Question 4. Which of the given statement is correct in the context of visualizing DNA molecules separately by agarose gel electrophoresis? Okay, what is agarose gel electrophoresis? Agarose gel electrophoresis is actually a method by which hum log chote-chote fragments jo hain DNA ke unko alag karte hain. Jab hum log biotechnology ko apply karte hain, to hum log sabse pehle
एंडोन्यूक्लियस को यूज करके छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स बनाएंगे डीएनए के। एक डीएनए होगा हमारे पास, उस पे एंडोन्यूक्लियस एक्ट करके फ्रैगमेंट्स में तोड़ देंगे। तो ये कई सारे डीएनए फ्रैगमेंट्स हो गए। अब इसमें से कुछ डीएनए फ्रैगमेंट्स हमारे काम के हैं और कुछ डीएनए फ्रैगमेंट्स हमारे काम के नहीं है। सो हाउ आर वी गोइंग टू सेग्रीगेट दिस, कि ये हमारे काम का है और ये हमारे काम का नहीं है। एंड इवन अगर वो बहुत सारे फ्रैगमेंट्स हैं तो उनको सेग्रीगेट करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वी नीड अ पर्टिकुलर जीन, वी नीड अ पर्टिकुलर डीएनए फ्रैगमेंट जिससे कि आगे का काम करा जा सके। सो हाउ डू वी सेपरेट दीज डीएनए फ्रैगमेंट्स, दैट इज बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। एंड वॉट इज द प्रिंसिपल बाय विच जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वर्क? एक डायग्राम दिया है एनसीईआरटी में जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का, उसमें वेल्स हैं। हम मानते हैं कि ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्लेट है, बीच में अगार है और ये वेल्स हैं जिसमें हम लोग सैंपल को लोड करेंगे। सैंपल इन द सेंस कि जो हमारे पास डीएनए फ्रैगमेंट्स का पूरा सैंपल है जो हमने अलग करा, वी आर गोइंग टू लोड दैट इनटू द वेल्स। और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज एनोड है, ओके। और जो हमने डीएनए यहाँ पर लोड करे हैं दैट आर नेगेटिव, नेगेटिवली चार्ज। जो डीएनए हम लोड कर रहे हैं दैट आर नेगेटिवली चार्ज। तो क्योंकि यहाँ पर अगार पूरा फिल है तो क्या होगा कि जो बड़े फ्रैगमेंट्स हैं वो वेल के पास ही रुक जाएंगे और जो छोटे फ्रैगमेंट्स हैं वो आगे एनोड के पास तक चले जाएंगे, जिससे कि हम लोग साइज के बेसिस पर डीएनए फ्रैगमेंट्स को अलग कर लेंगे। तो जो सबसे छोटा होगा वो यहाँ पहुंच जाएगा, पर जो सबसे बड़ा होगा वो तो एगरोस जेल को क्रॉस नहीं कर पाएगा या बहुत स्लोली स्लोली क्रॉस करेगा, जिसके वजह से जो सबसे छोटा डीएनए फ्रैगमेंट है वो हमें एनोड के पास मिलेगा। तो विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ विजुअलाइजिंग डीएनए मॉलिक्यूल्स सेपरेटेड बाय एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस? डीएनए कैन बी सीन इन विजिबल लाइट? नो, डीएनए कैन नॉट बी सीन इन विजिबल लाइट। हम लोगों को इसको यूवी लाइट के नीचे देखना पड़ता है। जब हम लोग इस एगरोस प्लेट को उठाकर यूवी लाइट के नीचे देखेंगे तब हमें बैंड्स दिखेंगे और ऑरेंज कलर्ड डीएनए दिखेगा। तो डीएनए कैन बी सीन विदाउट स्टेनिंग इन विजिबल लाइट? नो, इथिडियम ब्रोमाइड स्टेन डीएनए कैन बी सीन इन विजिबल लाइट? नहीं, इथिडियम ब्रोमाइड स्टेन डीएनए कैन बी सीन अंडर एक्सपोजर टू यूवी लाइट, यस। Then we are going to take this agarose gel और इसे ethidium bromide से ethidium bromide इस पर put करेंगे, तब UV light में ये orange color के DNA fragment show करेगा। Question 5. Restriction in restriction enzyme refers to cleaving of the phosphodiester bond in DNA by enzyme, cutting of DNA at specific position only, prevention of the multiplication of bacteriophage by the host bacteria, या all of the above। तो restriction का मतलब होता है कि हम लोग ने एक छोटे से piece को cut करा है। The enzyme which is obtained from bacteria that recognize a specific sequence in the DNA, एक specific sequence को वो recognize करेगा और फिर वहीं पर cut करेगा at the specific site। Cleaving of the phosphodiester bond in the DNA by enzyme, yes, phosphodiester bond जो DNA में present होंगे उनको cleave करेगा। Cutting of DNA at specific position only, yes, जो endonucleases हैं they have a specific position जहां पर वो काम करते हैं, they have a specific palindromic sequences where they act, so एक specific position पर काम करना। Third is prevention of the multiplication of bacteriophage by the host bacteria, yes, जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है वो प्रोड्यूस करे जाते हैं बैक्टीरिया के थ्रू ताकि
जब एंड बैक्टीरिया यूज दिस एंजाइम टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम अ वायरल इन्फेक्शन, जैसे कि बैक्टीरियोफेजेस, और कैसे, व्हेन वायरस इज इन्फेक्टेड द बैक्टीरिया, जो फेज है दैट इंसर्ट इज डीएनए इनटू द बैक्टीरियल सेल फॉर रेप्लिकेशन, जैसा कि मैंने अभी बोला कि बैक्टीरियोफेज अपना बैक्टीरिया, बैक्टीरियोफेज अपना डीएनए, बैक्टीरियोफेज इज गोइंग टू ट्रांसफर इट्स डीएनए टू द बैक्टीरिया, और अब वो चाहता है कि बैक्टीरिया इसको रेप्लिकेट करे और नए बैक्टीरियोफेज का प्रोडक्शन करे. तो जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स हैं दैट एक्चुअली वर्क बाय डिग्रेडिंग, बाय कटिंग द डीएनए फ्रेगमेंट ऑफ द बैक्टीरियोफेज एट अ स्पेसिफिक पॉइंट, एट अ स्पेसिफिक सीक्वेंस. तो इट इज एक्चुअली अ एंजाइम विच इज प्रोड्यूस्ड ताकि वो बैक्टीरियोफेज से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके. तो रिस्ट्रिक्शन एंड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम रिफर्स टू क्लीविंग ऑफ फॉस्फोडाइज्ड बॉन्ड इन द डीएनए बाय एंजाइम, यस. कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक पोजीशन ओनली, यस. प्रिवेंशन ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरियोफेज बाय द होस्ट बैक्टीरिया, यस. सो द आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव. क्वेश्चन 6, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल, ऐसा कौन सा चीज है दैट इज नॉट रिक्वायर्ड व्हाइल वी आर प्रिपेयरिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल. सो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस आर रिक्वायर्ड क्योंकि जब हम एक डीएनए को स्पेसिफिक पॉइंट पे कट करके प्लाज्मिड के अंदर डालेंगे, प्लाज्मिड को भी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पे कट करेंगे एक स्पेसिफिक पॉइंट पे, फिर प्लाज्मिड के साथ ये डीएनए अटैच होकर दूसरे बैक्टीरिया में जाकर रेप्लिकेट करेगा, तभी तो हम एक नया एंजाइम या एक नया बाय प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं, तभी तो हम लोग एक नया रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं. तो यहाँ पर एंडोन्यूक्लियस यूज हो गया. जब हमने इस फ्रैगमेंट को प्लाज्मिड से अटैच करा तो लाइगेज यूज हुआ, और ये तो डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं ही, तो किस चीज की जरूरत नहीं पड़ी. वी डिड नॉट यूज ईकोलाई, ईकोलाई इज नॉट रिक्वायर्ड, और कोई बैक्टीरिया भी यूज कर सकते हैं. सो ईकोलाई इज नॉट रिक्वायर्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल. क्वेश्चन 7, इन एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस डीएनए मॉलिक्यूल्स आर सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर चार्ज ओनली, साइज ओनली, चार्ज टू साइज रेशियो. तो चार्ज, नेगेटिव चार्ज डीएनए मॉलिक्यूल्स वही जाकर एनोड, वही एनोड के पास ट्रैवल कर रहे थे नेगेटिव चार्ज, और टाइज जो बड़े डीएनए फ्रैगमेंट्स थे वो एग्रोस जेल को क्रॉस नहीं कर पा रहे थे या बहुत स्लोली क्रॉस कर रहे थे. तो डीएनए मॉलिक्यूल्स आर सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर नॉट ओनली चार्ज एंड नॉट ओनली साइज बट बोथ, दैट इज चार्ज टू साइज रेशियो. जितना ज्यादा चार्ज होगा और जितना ज्यादा चार्ज होगा तो उतना जल्दी एनोड के पास चले जाएंगे, जितना बड़ा साइज होगा उतना धीरे ट्रैवल करेंगे. तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. क्वेश्चन 8, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इन प्लाज्मिड टू सर्व एज अ वेक्टर इन जीन क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट इज origin of replication, presence of a selectable marker, presence of sites for restriction on the nucleus, or its size. It is a tricky question क्योंकि इसमें दो आंसर सही हो सकते हैं. हम लोग बोल सकते हैं कि restriction endonucleus act करना चाहिए, हम लोग बोल सकते हैं कि selectable marker होना चाहिए, या हम लोग बोलते हैं कि origin of replication होना चाहिए. तो सिलेक्टेबल मार्क अगर उनको थोड़ा सा याद हो तो हमने P53 का प्लाज्मिड पढ़ा था, उसमें कुछ रिकग्निशन साइट्स थी जिससे हम लोग रिकग्नाइज कर रहे थे, और कुछ साइट्स ऐसी थी जहां पर एंडोन्यूक्लियस काम कर रहे थे. बट द मेन साइट दैट वाज रिक्वायर्ड was origin of replication, that is ORI. And why ORI is important? मान लेते हैं कि एक प्लाज्मिड है हमारे पास और उसमें
ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन नहीं है बट एंडोन्यूक्लियस और सिलेक्टिव मार्कर का साइट है, और हमने एंडोन्यूक्लियस पे एक्ट करा और सिलेक्टिव मार्कर्स यूज करे ताकि हम लोग उस प्लाज्मिड को आइसोलेट कर सकें। बट व्हाट इज द यूज, जब तक ये प्लाज्मिड रेप्लिकेट नहीं करता तब तक दूसरे प्लाज्मिड बनेंगे ही नहीं, और जब दूसरे प्लाज्मिड बनेंगे ही नहीं तो सिलेक्टेबल मार्कर होने का वो यूज ही नहीं है, क्या सिलेक्ट करेंगे हम? जो नॉर्मल प्लाज्मिड हमने पुट करा था एक मीडिया में, हमारे पास अभी भी उतना ही है, अगर 100 पुट करा था तो 100 ही बचा क्योंकि वो रेप्लिकेट ही नहीं करा बिकॉज इट इज लैकिंग ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो द प्रेजेंस ऑफ सिलेक्टेबल मार्कर और रिस्ट्रिक्शन इन द न्यूक्लियस इज वेस्ट, इट इज नॉट यूजफुल अनलेस एंड अंटिल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इज प्रेजेंट। इफ अ प्लाज्मिड इज लैकिंग ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इट इज नॉट गोइंग टू रेप्लिकेट। So if it is not going to replicate, for what are we going to use the selectable markers? For nothing. And its size is not important. Question 9. While isolating DNA from bacteria, which of the following enzymes is not required? So we have to isolate a DNA from a bacteria. Which of the following enzyme is not required? कौन सा ऐसा enzyme है जो हम लोग use नहीं करेंगे? तो सबसे पहले तो एक बैक्टीरिया का सेल है, ठीक, और हम लोगों को उस सेल को सबसे पहले उसको तोड़ना पड़ेगा। तो हम सेल का ब्रेकिंग ऑफ सेल वॉल और मेम्ब्रेन इज द फर्स्ट स्टेप। देन द नेक्स्ट स्टेप इज जो इसका डीएनए है उसको बाहर लाना, एंड डीएनए इज बाउंड नॉट फ्री, तो उसको बाहर लाने के लिए हम लोगों को राइबोन्यूक्लियसेस के एंड प्रोटीएसेस का यूज करना पड़ता है। और राइबोन्यूक्लियसेस और प्रोटीएसेस का यूज क्यों करना पड़ता है? बिकॉज देयर आर राइबोसोम्स and proteins which are bound to this DNA fragment. So we have to remove ribosomes and proteins from the DNA. When we use ribonuclease and proteases, tab hamare paas ek single free DNA milta hai. Par isi ko hum log use karenge, that is used. To for first step, lysozymes are used. Lysozymes are used to degrade the cell membrane. Okay, ribonuclease and proteases are used to free off the portion of DNA ताकि उस पर से ribosomes और proteins दोनों ही हट जाए। अब जब ribosomes और proteins हट गए तो हमारे पास single free DNA मिल गया, और इस DNA को हम लोग recombinant DNA technology में use करेंगे। But what was the enzyme which wasn't used? That was deoxyribonuclease. Deoxyribonuclease का मतलब क्या है? That is actually DNA. तो अगर हम जो DNA extract कर रहे हैं उस पर deoxyribonuclease डाल देंगे तो DNA lyse हो जाएगा, टूट जाएगा। तो deoxyribonuclease are not used for the extraction. So while isolating DNA from bacteria, which of the following enzyme is not required? Lysozyme, ribonuclease, deoxyribonuclease, protease. So deoxyribonuclease is not required क्योंकि deoxyribonuclease डालने के बाद जो हमें DNA चाहिए था वही टूट जाएगा, तो अगर वही टूट गया एंजाइम की वजह से तो स्टार्ट ही नहीं हो पाएगा। Question 10. Which of the following contributed in polarizing the PCR chain technique? Popularizing the PCR technique. Which was the following? Easy availability of DNA template, availability of synthetic primer, availability of cheap deoxyribonucleotides, availability of thermostable DNA polymerase. So the answer is availability of thermostable DNA polymerase. जब हम लोग heat करते हैं DNA को तो वो denature हो जाता है,
तीन अक्षर होने का मतलब कि डीएनए इसमें डबल स्ट्रैंडेड, तो वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए हो जाता है. दिस वाज डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए स्ट्रैंड्स. बट जब हमको डीएनए टेक्नोलॉजी में स्ट्रैंड्स को रेप्लिकेट करना था, तो हमको चाहिए था कि कोई एक ऐसा एंजाइम हो जो कि एड करे हीट करने पर भी, हीट करें और डीएनए जब डिग्रेड हो या डीनेचर हो तो उसको दोबारा से यूज करा जा सके. बट एज ऑल एंजाइम्स दैट आर प्रेजेंट इन नेचर, वो सब खुद ही डिग्रेड हो जाते हैं ऑन हीटिंग. तो हम कैसे अप्लाई करते, कैसे डीएनए को डीनेचर करते, फिर कोई एक प्रोब डालते और फिर डीएनए रेप्लिकेट करता और पीसीआर साइकिल चलती. तो उस प्रॉब्लम को हटाने के लिए ही थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज आया था. थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज वाज इवन एक्टिव ऑन 74 डिग्री सेल्सियस, जबकि जो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स हैं 37 डिग्री सेल्सियस इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर एट विच मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर वर्किंग. हमारी बॉडी में जितने भी एंजाइम्स हैं उनको एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए तभी वो काम करते हैं, अदरवाइज वो डीनेचर हो जाते हैं. तो इन ऑर्डर टू यूज एन एंजाइम विच वुड बी एबल टू वर्क एट इवन 74 डिग्री सेल्सियस, वो था थर्मोन्यूक्लियस. तो थर्मोन्यूक्लियस वॉज द ओनली थिंग दैट हेल्प इन पॉपुलराइजिंग द पीसीआर. ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ डीएनए टेम्पलेट, तो डीएनए टेम्पलेट वो इजिली अवेलेबल है. रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएसिस, वो जो प्रॉब्लम थी वो पहले ही टैकल कर ली गई थी. अवेलेबिलिटी ऑफ सिंथेटिक प्राइमर्स, दैट वॉज ऑल्सो, वो भी अवेलेबिलिटी ऑफ सिंथेटिक प्राइमर्स वॉज ऑल्सो नॉट द प्रॉब्लम. अवेलेबिलिटी ऑफ चीप डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड्स, दैट वॉज ऑल्सो नॉट अ प्रॉब्लम, कि जैसे हम लोग ने सिंथेटिक डीएनए प्राइमर्स बनाए वैसे ही हम लोग चीप डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड्स भी बना सकते हैं. बट अवेलेबिलिटी ऑफ थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज वॉज द एक्चुअल थिंग दैट हेल्प इन पॉपुलराइजिंग पीसीआर. क्वेश्चन 11, एन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन इन अ वेक्टर यूजुअली हेल्प इन द सिलेक्शन ऑफ कॉम्पिटेंट बैक्टीरियल सेल्स, ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरियल सेल्स, रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरियल सेल्स और नन ऑफ द अबव. What antibiotic resistance gene in a vector is usually helping in? कैसे पता चलेगा कि जो हमने एक जीन वेक्टर डाला था वो रेप्लिकेट करा है या नहीं? तो जब हम एक बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्म्ड रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को पुट करते हैं और बैक्टीरिया रेप्लिकेट करता है तो कॉपीज बनती हैं. बट इन कॉपीज में से कुछ डीएनए फ्रैगमेंट्स जो प्लाज्मिड है वो बैक्टीरिया का भी होगा. तो सिलेक्टिविटी कैसे आएगी, कैसे हम सिलेक्ट करेंगे कि ये प्लाज्मिड रेप्लिकेटेड प्लाज्मिड है और ये प्लाज्मिड बैक्टीरिया का प्लाज्मिड है? तो फॉर दैट वी आर गोइंग टू यूज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स, क्योंकि जो नॉर्मल बैक्टीरिया होगा इट वुड बी लैकिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन. लेकिन जो हमने न्यू प्लाज्मिड डाला होगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाला होगा, इट वुड बी हैविंग डीएनए रेजिस्टेंस जीन. तो जब हम लोग एंटीबायोटिक डालेंगे तो इस प्लाज्मिड में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स प्रेजेंट नहीं है, उनका लाइसिस हो जाएगा और जिनमें प्रेजेंट है वो थ्राइव करेंगे, ग्रो करेंगे और उनको हम लोग आइसोलेट कर लेंगे. तो जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन थे दैट हेल्प्ड इन सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्म बैक्टीरियल सेल. क्वेश्चन 12, सिग्निफिकेंस ऑफ हीट शॉक मेथड इन बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन इज टू फैसिलिटेट. जब बैक्टीरिया का ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो कौन सा ऐसा स्टेप है जो एक्चुअली हेल्प कर रहा है ट्रांसफॉर्मेशन में?
binding of DNA to the cell wall? No. Uptake of DNA through membrane transport proteins? Uptake of DNA through transient pores in the bacterial cell wall? Yeah, the expression of the antibiotic resistance genes? No. So binding of DNA to cell wall, ये तो एकदम ही गलत आंसर है. वी हैव टू सी कि बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, इसका मतलब कि जो हमारा प्लाज्मिड था, जो बैक्टीरिया के बाहर प्रेजेंट था, वो अपटेक हो जा रहा है बैक्टीरियल सेल के अंदर. तो बडिंग ऑफ द डीएनए टू द सेल वॉल, बडिंग ऑफ डीएनए टू द सेल वॉल इज यूजलेस, किसी काम का नहीं. अपटेक ऑफ डीएनए थ्रू मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, तो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स के थ्रू अपटेक, या फिर अपटेक ऑफ डीएनए थ्रू ट्रांजिएंट पोर्स इन द बैक्टीरियल सेल वॉल. मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के थ्रू अपटेक नहीं होगा, क्योंकि अगर मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के थ्रू अपटेक हो रहा होता तो हमें बाहर से कुछ भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई देने की जरूरत नहीं पड़ती. बट इट वॉज ऑब्जर्व कि जब बैक्टीरिया में पोर्स क्रिएट कर दो थ्रू सम केमिकल और थ्रू सम फिजिकल मेथड और हीट शॉक दे दो, तो इन पोर्स के थ्रू जो प्लाज्मिड है उसका अपटेक हो जाता है. और जब ये प्लाज्मिड बैक्टीरिया के अंदर चले जाते हैं तो दे स्टार्ट रेप्लिकेटिंग. तो द रोल ऑफ significance of heat shock method in bacterial transformation is to binding of the DNA to the cell wall, not at all. Uptake of DNA through membrane transport proteins, no. अगर अपटेक हो रहा होता यूजली ही तो हम लोगों को हीट शॉक देने की जरूरत नहीं पड़ती. अपटेक ऑफ DNA through transient pores in the bacterial cell wall, and by what method these pores are created? Bivalent calcium. जब हम लोग बायवेलेंट कैल्शियम डालेंगे तो बायवेलेंट कैल्शियम इज गोइंग टू क्रिएट सम ट्रांजिएंट पोर्स इन द सेल वॉल. और जब हम लोग हीट शॉक दे देंगे तो उस हीट शॉक की वजह से जो बाहर डीएनए है विच इज प्लाज्मिड, इट इज गोइंग टू बी देयर इन इनसाइड द सेल. क्वेश्चन 13. द रोल ऑफ डीएनए लाइगेज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल इज फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोराइज्ड बॉन्ड बिटवीन द टू फ्रैगमेंट्स, formation of hydrogen bonds between sticky ends of DNA fragments, okay. formation of all purine and pyrimidine bases, none of the above. Ligation of all purine, none of the above. DNA ligase. DNA ligase is an enzyme hai through which two DNA fragments are ligated. And by what method? So by formation of phosphodiester bond between the two DNA fragments. Question 14. Which of the following bacteria is not a source of restriction endonuclease? कौन सा ऐसा bacteria है which is not the source of restriction endonuclease? Haemophilus influenza, Escherichia coli, Entamoeba coli, and Bacillus amyloliquefaciens. तो Entamoeba coli is actually a protozoa. इन्होंने बैक्टीरिया पूछा है, एंटमीबा इज अ प्रोटोजोआ, तो दैट इज नॉट गोइंग टू बी द सोर्स फॉर एंडोन्यूक्लियस एंजाइम. बाकी हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा इज अ बैक्टीरिया, एस्चेरिशिया कोलाई इज अ बैक्टीरिया, बेसिलस एमाइलोलिक्विफेशंस इज अ बैक्टीरिया, बट एंटमीबा, यू कैन सी एंटमीबा, अमीबा आ रहा है इसमें, तो इट इज नॉट अ सोर्स फॉर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. Which of the following steps are catalyzed by TAC DNA polymerase in PCR? Okay, TAC DNA polymerase, it is thermostable polymerase. So, वो help क्या कर किस चीज में help करेगा in the PCR? Denaturation of template of DNA, annealing of the primers to the template, extension of primer end on the template. So, extension of the primer end on the template is the correct answer. जब PCR, that is polymerase chain reaction, when we apply a polymerase chain reaction, तो उसमें करते क्या है, DNA fragments को सबसे पहले denature करते हैं, denaturation. Denature करने से
जो एंड्स थे डीएनए के वो फ्री हो जाते हैं. नाउ एनीलिंग ऑफ द प्राइमर्स टू द टेम्पलेट डीएनए, दीज आर द टेम्पलेट डीएनए व्हिच आर क्रिएटेड. एनीलिंग मींस अटैचिंग. तो हम लोग प्राइमर्स को, जो परफॉर्म प्राइमर्स है हमारे पास, मान लेते हैं कि ये प्राइमर्स थे और ये हमारे डीएनए, सो दे बाइंड टुगेदर और इसके बाद ये रेप्लिकेट कर जाएगा एंड मिलियंस टू ट्रिलियंस ऑफ कॉपीज इस डीएनए के बनने लगेंगी. तो दैट रेप्लिकेशन इज हेल्प बाय टक पॉलीमरेज. तो एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर एंड ऑन द टेम्पलेट डीएनए that is aided by tuck polymerase. Question 16. A bacterial cell wall, bacterial cell was transformed with a recombinant DNA molecule that was generated using a human gene. However, the transformed cell did not produce desired protein. Reasons could be. They are trying to say कि उन्होंने एक बैक्टीरिया के अंदर एक आरडीएनए डाला दैट वाज जनरेटेड बाय यूजिंग अ ह्यूमन जीन. हाउएवर द ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स डिड नॉट प्रोड्यूस डिजायर्ड प्रोटीन्स. जो ट्रांसफॉर्म्ड सेल थे उन्होंने डिजायर्ड प्रोटीन्स नहीं बनाए. एंड व्हाट कुड बी द रीजन बिहाइंड दैट. ह्यूमन जीन मे हैव इंट्रॉन व्हिच बैक्टीरिया कैन नॉट प्रोसेस. Amino acid codons for humans and bacteria are different. Human protein is formed but degraded by bacteria. Yeah, for all of the above. Okay. Human protein is formed but degraded by bacteria. That is not possible. Amino acid codons for humans and bacteria are different. No. Amino acid codons, jo humans mein hote hain, wahi bacteria mein hote hain. Jo DNA ka constituent hai. जो जिस चीज से डीएनए बना है दैट इज सेम फॉर ऑल, इट इज यूनिवर्सल. इसीलिए डीएनए एंड आरएनए आर द यूनिवर्सल थिंग, जो हर बैक्टीरिया, हर ह्यूमन सेल या किसी भी लिविंग सेल में मिलेगा. ह्यूमन जीन मे हैव इंट्रॉन व्हिच बैक्टीरिया कैन नॉट प्रोसेस. इंट्रॉन्स आर द इंटरप्शंस. जो ह्यूमन का जीन है उसमें इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स दो टाइप के जीन प्रेजेंट होते हैं. कुछ इंट्रॉन्स, introns are the interruptions, and exons are the actual DNA fragments जो कि हम लोग use करते हैं in DNA replication. But introns should be spliced. अगर हमने molecular basis of inheritance पढ़ा है तो उसमें पता होगा कि DNA fragment, a human DNA fragment has two types of DNA, that is exons and introns. जो इंट्रॉन्स होते हैं दैट आर द इंटरप्शंस बिटवीन अ डीएनए. इंटरप्शंस या इंट्रॉन्स को हटाना पड़ता है, इसीलिए वहां पर एक प्रोसेस होता है दैट इज मैच्योरेशन का प्रोसेस, जहां पर हम लोग इंट्रॉन्स को हटाते हैं और एक्सॉन्स को मिलाकर एक नया डीएनए का फॉर्मेशन करते हैं, स्प्लाइसिंग जिसे बोलते हैं, और कैपिंग, कॉनाइलेट साइक्लेज को ऐड करना ताकि डीएनए स्टेबल हो जाए. तो अगर किसी जीन में इंट्रॉन्स रह गए तो प्रॉब्लम क्या होगी कि वो तो कोड नहीं करेगा, वो रेप्लिकेट नहीं होगा. तो अगर वो रेप्लिकेट नहीं होगा तो फिर वो प्रोटीन्स भी नहीं बना पाएगा, और अगर वो रेप्लिकेट हो भी गया तो इंट्रॉन्स की प्रेजेंस की वजह से प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं हो सकता. इंट्रॉन्स शुड बी रिमूव्ड और शुड बी प्रोसेस्ड बिफोर द बिगिनिंग ऑफ ट्रांसलेशन. ट्रांसलेशन के लिए हमें एक प्रॉपर डीएनए सीक्वेंस चाहिए. इंट्रॉन्स आने की वजह से टीआरएनए उस पर सही से नहीं काम करता, टीआरएनए कैन नॉट मूव, और फिर प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं हो सकता. क्वेश्चन 17. विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी चूजन फॉर बेस्ट यील्ड इफ वन वर टू प्रोड्यूस अ रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन इन अ लार्ज अमाउंट. विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी चूजन, क्या चूज करना चाहिए हमें फॉर द बेस्ट यील्ड, सबसे अच्छा यील्ड करने के लिए रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स को, और बहुत ज्यादा अमाउंट में, जो लैबोरेटरी में होता है दैट इज इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट, वेरी मिनिमल अमाउंट. तो लैबोरेटरी फ्लास्क ऑफ लार्जेस्ट कैपेसिटी, नो नॉट एट ऑल. लैबोरेटरी फ्लास्क में कंट्रोल करना, उसको मैनेज करना, दैट इज वेरी डिफिकल्ट.
a stirred tank bioreactor, a continuous culture system, या फिर एनी ऑफ द अबव. तो कंटिन्यूस कल्चर सिस्टम इज वेरी इम्पोर्टेंट, जिससे कि लार्ज अमाउंट ऑफ हम लोगों को यील्ड मिलेगा, जिससे सबसे ज्यादा यील्ड मिल सकता है, दैट इज कंटिन्यूस कल्चर सिस्टम. अगर कल्चर सिस्टम ही रुक जाए तो रेप्लिकेशन रुक जाएगा, और फिर जो जितना हम लोगों को डीएनए फ्रेगमेंट चाहिए, जितने हमको यील्ड चाहिए, वो रुक जाएगी. क्वेश्चन 18, अमंग द फॉलोइंग विच वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पीसीआर, इट इज अ थियोरेटिकल क्वेश्चन. हर्बर्ट बॉयर, केरिमिलिस, आर्थर कॉर्नबर्ग. तो दैट इज केरिमिलिस. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स. It recognizes a palindromic nucleotide sequence. It is a endonuclease. It is isolated from virus. It can produce the same kind of sticky ends in different DNA molecules. Question 19. Endonucleases. Endonucleases are produced by bacteria. First of all, they are produced by bacteria. Second of all, endonucleases, they act restriction enzyme, the restriction enzymes are endonucleases. Dusra, endonucleases act at a specific point, koi ek specific jagah hogi jahan wo act karenge, aur wo specific jagah palindromic sequence hota hai. Jab endonuclease ko ye palindromic sequence milta hai, to wo us DNA ko us DNA par act karke un DNA fragments ko alag kar dete hain. Aur jaise ki exonuclease पूरा डीएनए फ्रेगमेंट अलग कर देता है, एंडोन्यूक्लियेसेस दे एक्ट इन अ वेरी डिफरेंट मैनर. वो कुछ इस तरीके से फ्रेगमेंट्स बनाता है, जिससे कि एक ये एंड और एक ये एंड खाली रह जाता है, और इसे स्टिकी एंड बोलते हैं. कि जब ये दो एंड्स एक दूसरे के पास वापस से आएंगे तो इनको लाइगेट करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, और इनका सीक्वेंस भी एक ही होगा. जो ये सीक्वेंस चाहिए दैट विल बी सेम, जिसकी वजह से वो अपने आप हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाकर लाइगेट हो जाएंगे. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम. It recognizes a palindromic nucleotide sequence. It does recognize a palindromic nucleotide sequence. Ne padha bhi. Second, it is an endonuclease. Yes, it is an endonuclease. It is going to act in between the nucleus, in between the DNA fragment. It is isolated from virus. So, it is not isolated from virus. Endonucleases are produced by bacteria. And for what purpose? Bacteria बनाता है एंडोन्यूक्लियस, ताकि जब बैक्टीरियोफेज किसी भी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करे, और जब वो अपना डीएनए सीक्वेंस बैक्टीरिया के अंदर डाले, तो ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स उस बैक्टीरियोफेज के डीएनए के सीक्वेंस उस बैक्टीरियोफेज के डीएनए में पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को ढूंढे और उसका लाइसिस कर दे, ताकि बैक्टीरियोफेज का रेप्लिकेशन रुक जाए. So it is isolated from virus? No. It can produce the same kind of sticky end in different DNA molecules. Yes. Wo same kind of sticky end bana raha tha, tabhi we were using it for the recombinant DNA technology. Okay. Thank you so much. In next session, we'll cover short answer type questions.